बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक जलील खोखर आप नाल मुखातिब हाँ। दोस्तों मैं गुजारिश करना चाहना कि डिठा वने तो पाकिस्तान के सरहकी सूबे की तहरीक वास्ते बहुत तनजीम काम कर पेन और अपनी जात जो भी किरदार अदा कर पेन वह सब के सामने ही है। जी एक तनजीम ग्रास रूट से काम करनी पी है और सरहकी कौम को इकट्ठा कराने वो किरदार अदा करनी पी है। ग्रास रूट से जी तनजीम काम करे और अमली तौर पर जोड़ा काम जो नज़र आए तो उनकी अगर तारीफ ना की वे तो वह मकसद है वह मुनाफकत के जमरे चमदी है। तो मेरे को बड़ी खुशी थी है कि 15 अक्टूबर को जड़ा खवातीन का आलमी डी मनाया गया है उनके वसेब नैशनल तहरीक के जो चेयरमैन हैं जनाब आसिफ खान ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव किया तो इनको अपने वसेब के सरे की तरीमत का ना दिता तो उनको मनावण का एक बहुत बड़ा एक इकदाम चाहता जड़ा जो लैके तहसीन है। मैं अप्रीशिएट करेंदा और वाहिद इंसान है जड़ा करोड़ों रुपये लाते सरहकी सूबे की तहरीक वास्ते काम करेंदा पे और मैं कहीं खुशामद गिले की गाल कहनी बाकी वह बंदा तारीफ के लायक है और सरहकी कौम को इकट्ठा करने अपना जड़ा किरदार अदा कहना पे मैं उनको अप्रीशिएट करेंदा खराज तहसीन पेश करेंदा। इहोजे लोग सरहकी कौम वास्ते बहुत फायदेमंद साबित ही सकते हैं अगर इन्हों का भरपूर साथ दिता वने कौम अगर एक प्लेटफॉर्म से आ वने इन की क्यादत विच ते यकीन करो सरहकी सूबा जीड़ी मंजिल है और दूर कहनी। मैं तमाम दोस्तों को यही गुजारिश करे सा कि सरहकी सूबे की तहरीक वास्ते आसिफ खान का भरपूर साथ दियो। इन्होंने अंदर कायदा ना सलाहियत भी मौजूद है यो काम कर सकते हैं जेड़े एक लीडर को करना चाहिए है। लिहाजा असारी कौम को चाहिए है सरहकी कौम को कि वह इन्हे पहा बेली बनन इन्हों का भरपूर साथ देवन और अगे तो टुरन ये वक्त का वक्त की अहम जरूरत है और इन शख्स की क्यादत असं बहुत जल्द सरहकी सूबा गिन सकूँ क्योंकि इन शख्स को दूजे नाल गाल करन मुल्की सतह से बैन अवी सतह से सियासत की समझ बूझ भी रखे दिन और ये बेहतरीन इन्हों के अंदर कायदा ना सलाहियत भी मौजूद है। मैं अप्रीशिएट करा इन्हों के कम को और इंशाल्लाह मैं तमाम को गुजारिश कर सा साथियों को जो सरहकी वसीब मौजूद हैं लोग इन्हों की क्यादत मुतहद थी वन और इन सिलसिले को अगे चलावन इन्हों का सबूत नाल वीडियो अटैच है इन्हों प्रोग्राम की जी 15 अक्टूबर सरहकी तरीमत दे मनाया गए। मैं इन्हे इकदाम को सराहना और इन्हों को अप्रीशिएट करना खराज तहसीन पेश करना ये वीडियो इन्हों की चंद तस्वीर लाजमी देख सो ताकि तो पता चल सके कि बंदा कितनी मेहनत करना पे। आसिफ खान साहब चेयरमैन वसेब नैशनल तहरीक जिंदाबाद सरहकिस्तान पाइंदाबाद। खवातीन ये एहसास करें कि जब तक वो अपने वसेब के अंदर अपने लिए कोई प्लेटफॉर्म तय नहीं करें उस वक्त तक आपकी तरक्की होने लगे बड़ी तरक्की नहीं की सकती।